हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। ये टेक्सटाइल एंड अपैरल साइंस का हमारा फिफ्थ लेक्चर है। इससे पहले हमने सीडी और फूड एंड न्यूट्रिशन को कवर कर लिया है, वो भी इसी पर हैं, चैनल पर हैं, वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। आज के मेन कंटेंट क्या होगा, यार्न नंबरिंग सिस्टम, और उसी को यार्न काउंट या यार्न साइज भी बोलते हैं। फिर है डाई ऑक्सिलरीज, देन प्रिपरेटरी स्टेप्स फॉर द फाइबर बिफोर द डाइंग, एंड द लास्ट वन इज़ द फिनिशेस। यार्न काउंट डेफिनेशन क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन ए यूनिट लेंथ एंड वेट ऑफ द यार्न्स, इसको कैसे किस लिए यूज़ किया जाता है, टू मेजर द डायमीटर और द थिकनेस ऑफ द यार्न, फ्रिक्वेंटली रेफर्ड एज द यार्न साइज। इसके टू मेन हैं कि नंबरिंग यार्न काउंट कैसे होता है, तो डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है। लेंथ कॉन्स्टेंट रहती है, मास वेरीज रहता है, और इसमें मास कॉन्स्टेंट रहेगा और लेंथ वेरीज रहेगी। फिर है इसमें डेनियर और टैक से मेज़र करते हैं, डेनियर है 9000 मीटर पे करते हैं और टैक्स में 1000 मीटर पे करते हैं। डायरेक्ट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट, सो डायरेक्ट है। इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेट। मास पर यूनिट लेंथ इसमें मेज़र किया जाता है, और इसमें लेंथ पर यूनिट मास, लेंथ पर यूनिट मास किया जाता है। ये फिलामेंटस के लिए, फिलामेंट फाइबर के लिए है, ये स्पन के लिए है। और ये हायर द काउंट लेस एक्सपेंसिव द यार्न भी, इसमें हायर काउंट और एक्सपेंसिव यार्न होगा। हायर द काउंट कोशर द यार्न, इसमें कोशर रहेगा, इसमें हायर काउंट फाइनर द यार्न। फिर है थ्रेड काउंट और फैब्रिक काउंट भी बोला जाता है इसमें, इसमें स्क्वेयर वो लेते हैं फैब्रिक पे, और उसमें वाप को काउंट किया जाता है, और फिर ऐसे ही वेक्ट को किया जाता है। तो डिटरमाइंड बाय द काउंटिंग द नंबर ऑफ द वाप एंड्स एंड द वेक्ट पिक्स पर स्क्वायर इंच ऑफ द फैब्रिक। फिर है वीविंग, ये कुछ डेफिनेशन है जैसे यार्न काउंट, यार्न जो ये क्या है थ्रेड काउंट और वीविंग नीटिंग, ये सिमिलर सी डेफिनेशन रहती हैं, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है डेफिनेशन डायरेक्टली, इसलिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ। फिर है वीविंग, इंटरलेसमेंट ऑफ टू सेट्स ऑफ यार्न वाप एंड वेफ्ट राइट एंगल्स, तो वीविंग में टू सेट्स यूज होते हैं। और नीटिंग में कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैब्रिक बाई फॉर्मिंग द यार्न इन टू लूप्स विच हैंग अपॉन अदर, तो ऑब्वियसली ये कोर्स होते हैं तो इसके ऊपर लूप्स बनते जाते हैं, तो वही डिफाइन किया हुआ है। डाई ऑक्सिलरीज उस क्या क्या होती हैं, कैरियर्स हैं, इम्प्रूव डाई एग्जॉशन, असिस्ट द डाई टू पेनिट्रेट द एक्सट्रीमली क्रिस्टलाइन हाइड्रोफोबिक पॉलिएस्टर फाइबर। कैरियर्स क्या करते हैं, एग्जॉशन कर देते हैं, इम्प्रूव करते हैं पेनिट्रेशन को। फिर हैं लेवलिंग एजेंट्स, टू यूनिफॉर्म कलर्स देते हैं, अगर हाई रेट ऑफ डाइंग है तो उसको लेवल करने के लिए लेवलिंग एजेंट डालेंगे तो वो स्लो हो जाएगा डाइंग प्रोसेस, और अगर ज़्यादा स्लो है तो उसको मतलब फास्ट कर देते हैं, तो ये लेवलिंग एजेंट्स का काम है। फिर है रिटार्डेंट, स्लो डाउन द डाई अपटेक ऑफ द फाइबर, ये हाई हो जाती है तो इसको स्लो डाउन करने, लेवलिंग एजेंट्स में कौन कौन से यूज़ होते हैं, मतलब वो ये रिटार्डेंट्स है वो स्लो डाउन कर देंगे। सरफेस एक्टिव एजेंट्स है वो वेटिंग एजेंट्स बोलते हैं, वो अपटेक अच्छा कर देंगे, सोप्स हो गए, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स हो गए। फिर है प्रिपरेटरी स्टेप्स टू बिफोर द डाइंग, तो इसमें कॉटन का मेंशन किया हुआ है पहला, उसमें क्या करेंगे, ग्रेज इंस्पेक्शन करते हैं, तो उसमें फैब्रिक देखा जाता है कि उसमें बो या स्क्यूनेस तो नहीं है। फिर अगर ये दे रखा है नोट मोर देन फोर डिफेक्ट्स, चार डिफेक्ट आ गए तो वो रिजेक्ट हो जाता है। और एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल, मेजर माइनर डिफेक्ट्स ये देखे जाते हैं इसमें। फिर है डिसाइजिंग, रिमूवल ऑफ स्टार्च करते हैं, एक्स्ट्रा जो स्टार्च रहता है उसको रिमूव कर देते हैं। और H2SO4 है, उसमें बॉयल वाटर यूज करेंगे हम। और एंजाइम माल्टिंग है, एंजाइम्स क्या करेंगे, माल्ट एसिटेज कर देंगे इसमें। H2SO4 कितना परसेंटेज, 0.521% सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है इसमें। फिर स्करिंग में क्या यूज़ करते हैं, NaOH करते हैं, और 2-5% ऑन वेट ऑफ द फैब्रिक करते हैं। ये परसेंटेज थोड़ा ध्यान रख लेना, क्योंकि ये भी क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि NaOH भी कईयों में यूज होगा। सिंजिंग है, रिमूव ऑल एक्स्ट्रा फाइबर्स, कांट बी डन ऑन द मैन मेड फाइबर, जो फिलामेंट फाइबर रहते हैं तो उसको सिंजिंग, ओबियसली फिलामेंट रहते हैं तो सिंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। फिर कोस्टिसाइजेशन,
6 to 8% ऑफ द NaOH. तो ये ध्यान रखना कि इसमें स्कोरिंग में तो 2 to 5% लेते हैं और इसमें 6 to 8% ऑफ द सॉल्यूशन लेते हैं NaOH का. इम्प्रूव लस्टर स्लाइटली एंड मेनली फॉर द श्रिंकेज. फिर है मर्सराइजेशन में 16 to 24% है. इंक्रीज टू स्ट्रेंथ लस्टर इंक्रीज डाई अपटेक. तो ये परसेंटेज का थोड़ा ऐसे कॉलम बना लेना, ये एम में ले रहे हैं, ये सी में ले रहे हैं और ये स्कोरिंग में ले रहे हैं. तो इस टाइप से आप याद अच्छे से इजीली हो जाते हैं. ब्लीचिंग है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ब्लीच है, ऑक्सीडाइजिंग ब्लीच यूज़ करते हैं, क्लोरीन ब्लीच इस पे यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वूल को तो इफेक्ट कर देती है, ये प्रोटीन फाइबर रहते हैं. तो सेलुलोजिक पे हाइपोक्लोराइड ब्लीच यूज करते हैं और ऑक्सीडाइजिंग ब्लीच यूज़ करते हैं. ध्यान रखना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं ऐसे. फिर इंजिंग कर लेते हैं. फिर वूल के लिए क्या प्रिपरेटरी स्टेप्स हैं बिफोर द डाइंग. स्कोरिंग करेंगे, यूज लिसा वूल और मुल्तानी मिट्टी से करेंगे टू अवॉइड द फेल्टिंग. फेल्टिंग इसकी बहुत ही नेगेटिव प्रॉपर्टी है जो कि मतलब श्रिंकेज बोला जाता है, इरिवर्सिबल श्रिंकेज बोला जाता है. तो वो इफेक्ट करती है प्रोसेसिंग के दौरान. फिर है कार्बोनाइजेशन, उसमें 3 to 4% H2SO4 यूज होता है, सल्फ्यूरिक एसिड. रिंजिंग एंड न्यूट्रलाइजिंग करेंगे, न्यूट्रलाइजिंग विद Na2CO3 से करेंगे. फिर ब्लीचिंग करेंगे, ब्लीचिंग इसमें रिड्यूसिंग ब्लीचेज यूज होती है. ये ध्यान रखना कि प्रोटीन वूल दे दिया होगा और उस पर हाइपोक्लोराइड आपको ब्लीच दी जाएगी, तो आपको कौन सी यूज़ करनी है, तो आपको हाइपोक्लोराइड ब्लीच नहीं करनी है, वो कॉटन पे यूज़ होती है. ध्यान रखना प्रोटीन पे कौन सी हो, मैं आपको एक एक जगह एक किट्ठी पहले भी करवाई हूँ और एक बार लास्ट में और करवाऊँगी. प्रिपरेटरी स्टेप्स फॉर सिल्क. सिल्क के लिए क्या होगा, फैब्रिक इंस्पेक्शन होगा, डिफेक्ट वगैरह देखे जाएंगे. रिमूवल ऑफ गम, हॉट वाटर 50 to 60%, इससे ज़्यादा होगा तो बर्न कर देगा उसको फैब्रिक को. और सोप सॉल्यूशन है, नॉर्मल सोप सॉल्यूशन में भी किया जाता है. एंजाइम्स है, पेपेन हो गया, ट्रिप्शन हो गया, डीगमेज हो गया. एल्कलीज क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम कार्बोनेट भी कर लेते हैं इस पर. फिर है फिनिशेस, ये है जैसे सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन देन अदर देन स्कोरिंग ब्लीचिंग कलरिंग टू विच द फैब्रिक इज सब्जेक्ट आफ्टर लीविंग द नीटिंग मशीन और वीविंग लूम इन ऑर्डर टू प्रिपेयर देम फॉर द कंज्यूमर. तो ये ऑब्वियसली एक डेफिनेशन आ जाएगी, उसमें आपको कुछ दे देंगे कि ये नीटिंग की डेफिनेशन है या फिर और कुछ दे देंगे. तो ये ध्यान रखना है फिनिशिंग की डेफिनेशन है. क्लासिफिकेशन ऑफ फिनिशेस, फिजिकल और केमिकल फिनिश. उसमें आयरनिंग करेंगे, ड्राइंग करेंगे, ब्लीचिंग करेंगे, स्कोरिंग करेंगे और वाटर प्रूफिंग करेंगे. ये आयरनिंग ड्राइंग है, ये फिजिकल है और ये केमिकल है. इसमें केमिकल यूज होते हैं जैसे ब्लीचिंग हो गया, स्कोरिंग हो गया, वाटर प्रूफिंग हो गया. फिर ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल में कौन से आएंगे, स्टार्चिंग हो गया, 2-3 बार वॉश करने पर ये निकल जाता है. ये आयरनिंग हो गया, सिंपल आयरनिंग है वो एक वॉश से ही ख़राब हो जाता है. ड्यूरेबल है वाटर प्रूफिंग हो गया, एंटी क्रीज हो गया, ये ड्यूरेबल फिनिशेस रहती हैं. तो ये भी एग्जांपल पूछ लेंगे. फिर ब्लीचिंग है, ब्लीचिंग क्लासिफिकेशन है. ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग ब्लीचेज है, ये मैंने इकट्ठी कर रखी हैं. जैसे सेलुलोजिक पे यूज होती है ऑक्सीडाइजिंग है वो. सोडियम हाइपोक्लोराइड ब्लीच आप भूल के भी मत बोल देना कि ये प्रोटीन फाइबर पे होती है, वो उसको स्कोर्स कर देगा, जला देगा, उस फाइबर को ख़त्म ही कर देगा. फिर जेवल वाटर भी क्या है, ऑक्सीडाइजिंग है. हाइड्रोजन प्रोक्साइड है, H2SO4 यूनिवर्सल ब्लीच बोला जाता है इसको, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना. फिर है रिड्यूसिंग ब्लीच प्रोटीन फाइबर पे, सल्फर डाइऑक्साइड, सोडियम सल्फाइट, ये रिड्यूसिंग ब्लीच है और प्रोटीन फाइबर के लिए यूज होती हैं. मैन मेड आर नॉट ब्लीच्ड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये ब्लीच नहीं होती, ये डोप सॉल्यूशन में ही डाल देंगे अगर उनको ब्लीच करना होगा तो, बाद में नहीं करेंगे. फिर है ब्लीचिंग एजेंट्स, क्या रिफ्लेक्शन कितना रहता है, ये भी डिफरेंस पूछा जाता है. इंक्रीज परसेंटेज रिफ्लेक्शन बाय 80%, ये 80% रिफ्लेक्शन बढ़ा देंगे. ब्लूइंग एजेंट्स और रिफ्लेक्शन क्या करेंगे, 100% इंक्रीज कर देते हैं. ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट्स हैं, वो क्या करते हैं, ओबीएट टेक अप लाइट फ्रॉम इंफ्रारेड रीजन एंड रिफ्लेक्ट इट इन विजिबल रेंज. परसेंटेज क्या है, 120% है इसकी हाईएस्ट रहती है, मतलब ब्लीचिंग से भी और ब्लूइंग एजेंट से भी. तो ये ध्यान रखना है, ब्लीचिंग का इससे रिफ्लेक्शन ब्लूइंग से भी कम है. तो इसके ओबीए के क्या एग्जाम्पल है, टीना पोल है और रानी पोल है. फिर है मैकेनिकल फिनिशेस,
मैकेनिकल फिनिशेस में स्टेंटरिंग हो गया, ये गर्ल्स जो पहले से भी स्टार लगा हुए हैं और मैं अभी बता रही हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत आते हैं इन पे। और आफ्टर डाइंग की जाती है, इसका मतलब मेन तो यही होता है कि इसका फंक्शन क्या है, तो स्ट्रेटन आउट की जाती है इस पे और टू गेट बैक शेप ऑफ द फैब्रिक, तो ये ध्यान रखना। क्लेंडरिंग है, ये आयरनिंग करता है, ये मैंने पहले ही बताया कि दो जैसे रोलर लेंगे उसके अंदर से फाइबर को निकालते हैं और वो स्ट्रेटन करते हैं उसको। फिर सरेंडरिंग करेंगे टू गेट सिल्क लाई अपीरेंस, कॉटन पे होती है ये ध्यान रखना फैब्रिक कैसा है। फिर है मोयर इफेक्ट, ये इस पे सिल्क पे पहले भी मैंने बताया है। और टू क्रिएट डांसिंग वाटर इफेक्ट ओनली ऑन द सिल्क, वेवी पैटर्न बना देंगे इसमें। और हॉट टेम्परेचर इस पे अप्लाइड किया जाता है, ऑफ ग्रेन एंड ऑफ ग्रेन ऑन ग्रेन फैब्रिक इसमें यूज होते हैं। ऑफ ग्रेन है, मेक इफेक्ट ऑन द ग्रेन, ऑप्टिकल इल्यूजन प्रोड्यूस करते हैं इसके अंदर, तो ये ध्यान रखना है। और इम्बोजिंग है, 3D इफेक्ट लेके आती है, इम्बोज्ड फैब्रिक जो बोलते हैं, जैसे कोई भी डिजाइन देना है तो बैक साइड से थोड़ा ओपन वो रहता है, खाली रहता है और उठा हुआ सा रहता है एक साइड से। फिर है सेंफोराइजिंग, कंट्रोल श्रिंकेज ऑफ फैब्रिक, ये श्रिंकेज करते हैं इसमें फैब्रिक को सेंफोराइजिंग में। फिर मिलिंग है, वूलन फैब्रिक के लिए यूज़ की जाती है, यूजेस फेल्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ वूल, फैब्रिक बिकम कॉम्पैक्ट, इसको जैसे फेल्टिंग उसमें श्रिंकेज रहती है, रिवर्सिबल श्रिंकेज बोलते हैं फेल्टिंग ऑफ वूल को, फैब्रिक इसमें कॉम्पैक्ट बना देते हैं और स्केल्स को, वो स्केल्स इसके वूल के रहते हैं वो एनलार्ज हो जाते हैं। फिर है बीटिंग, ये लिनन जो सेलुलोजिक फाइबर रहते हैं वो ज़्यादा मतलब क्रीज रहती है उनके अंदर, तो उसको ओपन करने के लिए किया जाता है। इंक्रीज कवर ऑफ द फैब्रिक, मतलब उसकी लेंथ विड्थ ओपन करने के लिए, कवर को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है, इनको बीट किया जाता है, जैसे कॉटन को भी बीट किया जाता है, जैसे उसमें जो ये अपनी क्विल्ट वगैरह बनाते हैं उसमें फिल करने से पहले इसको बीट किया जाता है ना, उसी टाइप से सेलुलोज का यही है, जितना बीट करोगे उतना कवर अच्छा आता है उससे। प्रेसिंग है, इज डन फॉर द वूलन एंड वोस्टेड, ये ध्यान रखना है प्रेसिंग। स्टिफरिंग है, साइजिंग स्टार्चिंग है, ये सेम है, स्टार्चिंग सेलुलोजिक फाइबर पे किया जाता है। और राइस, व्हीट, सागो, पोटैटो, टोपिएको, जेलाटीन, गम से भी मतलब स्टार्चिंग किया जाता है, तो ये ध्यान रखना कॉटन पे कौन कौन से किससे हो जाता है। फिर है वेइंग सिल्क पे, वूल पे होती है, सिल्क पे स्टेनियस क्लोराइड यूज़ करेंगे विद सोडियम और जिंक सोल्स और एंटी मैनी ट्राई क्लोराइड से यूज़ करेंगे। फिर वूल में इनऑर्गेनिक सोल्स यूज़ करते हैं। फिर फ्लॉकिंग है, इसमें ग्लू यूज़ करेंगे, जैसे कोई भी फाइबर फैब्रिक लिया और उसके ऊपर ग्लू लगाई और छोटे छोटे फाइबर्स रहते हैं, लिंटर्स बोलते हैं जिनको, फ्लॉक्स बोलते हैं, वो यहाँ पे लगाए तो वो फ्लॉकिंग हो जाती है, इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रोड्यूस करते हैं ये। कॉटन फिनिश है, पार्चमेंटाइजेशन बोलते हैं कॉटन के लिए, H2SO4 से वो की जाती है, ट्रीट किया जाता है इसको, लिटिल परसेंटेज होती है इसकी, परसेंटेज गिवन ये। कार्बनाइजेशन है, वो 3-4% H2SO4 है, ये ध्यान रखना है H2SO4 का कि परसेंटेज किस में कितनी यूज़ हो रही है। तो इसके पार्चमेंटाइजेशन का एग्जांपल क्या है, ऑर्गेंडी, फैब्रिक बिकम स्टिफ, डेवलप ए ट्रांसपेरेंट अपीयरेंस, वो ऑर्गेंडी ट्रांसपेरेंट रहती है। मर्सराइजेशन में NaOH यूज़ करते हैं 16-24%। फिर है सरेंड्राइंग, ये मैंने पहले बताया, सिल्क लाई अपीयरेंस बनाते हैं इसके अंदर भी। फिर वूल फिनिश क्या होते हैं, मोथ प्रूफिंग होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 यूज़ करते हैं, परमानेंट में DDT, डायल्ड्रीन और फ्लोराइड्स वगैरह ये यूज़ करते हैं। क्लोरीनेशन में टू मेक इट डेंस, टू एलिमिनेट स्केल्स, सो नो फेल्टिंग टेक्स प्लेस, हाइपोक्लोराइड कर देंगे इसमें 30 मिनट्स के लिए, तो ये स्पेशल फिनिश के लिए है ये, वैसे इसको मतलब इसके वूल वगैरह को नहीं करते हैं उससे, वूल को नहीं करें, प्रोटीन फाइबर है उसको हाइपोक्लोराइड नहीं यूज़ करते हैं। मिलिंग फॉर स्केल्स बिकम एनलार्ज, हाँ वो जो मिलिंग मैंने बताया था कि स्केल्स एनलार्ज करने के लिए मिलिंग की जाती है। फिर है परमानेंट सेटिंग,
उसमें क्रैबिंग हो गया, डिकेंटिंग हो गया, पोर्टिंग हो गया। तो परमानेंट क्रैबिंग में परमानेंट सेट द व्यू को सेट करने के लिए क्रैबिंग की जाती है। क्रैबिंग में भी मतलब एज ए रोलर के अंदर से ले जाएंगे, वो एज ए प्रेसिंग करते हैं। डिकेंटिंग इसमें लस्टर को सेट करते हैं, मैकेनिकल फिनिशेस हैं। फिर पोर्टिंग हो गया, ये इसी की मिलिंग भी इसी की है जैसे वूल की। फिर सिंथेटिक फिनिश क्या है, डीलस्टरिंग, टिटेनियम डाइऑक्साइड, ज़्यादा सिंथेटिक फाइबर में डाला जाता है ये, क्योंकि उनकी लस्टर ज़्यादा रहती है तो डीलस्टरिंग करते हैं। टिटेनियम डाइऑक्साइड और जिंक एसोफोरेडिड किया जाता है ये। इसमें मैंने बताया था कि वैसे तो कोई ज़्यादा फिनिश देते नहीं है, लेकिन डोप सॉल्यूशन में ही डालेंगे इसको। फिर है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल क्या देंगे अदर देन द डोप सॉल्यूशन, इसमें बोरियम सल्फेट और बेरियम स्टेनेट डालेंगे। फिर एंटी पीलिंग फिनिश में क्या कर देंगे, हाइट ट्विस्ट दे देंगे, फिलामेंट को स्टेपल में कन्वर्ट कर देंगे, ताकि जो स्टेपल फाइबर है वो टूट के नीचे गिर जाता है, इसलिए उसमें पीलिंग फॉर्मेशन नहीं होती है। फिर वाटर रेपेलेंट एंड हाई प्रेशर वाटर गोज इन साइड्स, मतलब ऐसा मैकेनिक वो है इसमें कि वाटर को वो करेंगे तो वो साइड से निकल जाएगा, एयर परमिएबल बना देंगे इसको। जैसे एग्जांपल दिए, रेन कोट है, अम्ब्रेला है। वाटर प्रूफ में डिफरेंस ये है कि इसके अंदर पानी नहीं जाता है, इसके अंदर पानी चला जाता है, लेकिन जा सकता है इसके अंदर, लेकिन फिनिश ऐसी होते हैं कि उसमें ऑयल वगैरह ये अप्लाई कर देते हैं, सॉरी वाटर प्रूफ में ऑयल अप्लाई कर रहे हैं और इसमें कोई फिनिशिंग ऐसे दे रहे हैं कि प्रेशर से मार रहे हैं तो वो पानी साइड से निकल रहा है। आज के लिए इतना ही गर्ल्स, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।